क्लास 4 कोठी में काम करने के लिए जा रहा था जज्जी की कोठी में, और उसकी मौत जो है सुबह 6 बजे हो जाती विद वर्दी। यहाँ पर ये उसका पोस्टमार्टम हुआ, उस मसले को दबा दिया गया। न्यायपालिका कर्मचारी संघ के लिए रिवीजन ऑफ पे स्केल 2016 एक महीने के अंदर अंदर इंप्लीमेंट नहीं होता है तो हो सकता है कि न्यायपालिका के कर्मचारी पूरे हिमाचल प्रदेश में एजिटेशन। यहाँ पर जितने भी ये इंप्लाइज हैं इनके प्रमोशन नहीं, 2-2 साल से कोई प्रमोशन नहीं है। इन दी अवसर कि न्यायपालिका में कम से कम 1000 पोस्ट वो खाली पड़ी है, एक आदमी जो है वो 8-8 पोस्टों पर काम कर रहा है और इतनी रात को 8-8 बजे बैठता है, इसके बारे में कोई नहीं सोच रहा है। ऑफिस को या चैम्बर जो है 5 बजे के बाद देखे जाए, 5 बजे के बाद कौन कौन जजेज बैठता है, अगर जजेज इतना काम जो दे रहे हैं इनसे एम्प्लॉय से करके कोई कैजुअलिटी होती है तो वो रिस्पॉन्सिबल होंगे। नमस्कार, आम जनता की आवाज़ हिम एक्स टीवी में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका दोस्त अभिषेक पठानिया और वीडियो के पीछे मैसेज उधर अक्षय कुमार गौतम जी। जी हाँ दर्शकों, इस वक्त हम जुड़ चुके हैं न्यायपालिका में, कुछ बातचीत जो है यहाँ के कर्मचारियों से करेंगे और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट जुडिशियल वेलफेयर के पूर्व प्रधान, कुछ बातचीत इनसे करना चाहेंगे, किस प्रकार की मांगों को लेकर जो है आज यहाँ पे मौजूद हैं और क्या क्या अहम मांगे जो इनकी रहने वाली है। न्यायपालिका की बात करें तो पूरे प्रदेश में देश में जो है न्यायपालिका का बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण योगदान जो है रहता है, और साथ ही अगर कर्मचारियों की बात करें तो एक कर्मचारी विशेष अंग होता है उसका, तो कुछ बातचीत इनसे करें किस प्रकार की मांगों को लेकर जो है आज यहाँ पे मौजूद हैं। सर सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम सुरेश नागर है और मैं पेंशन वेलफेयर एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ और न्यायपालिका कर्मचारी संघ का भूतपूर्व प्रधान हूँ। सर न्यायपालिका कर्मचारियों की बात करें तो काफी विशेष योगदान जो है उनका पूरे जुडिशियल में रहता है, तो क्या कुछ मांगे जो है उनको लेके जो है आप यहाँ पे आज मौजूद हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बड़े दुख की बात है कि न्यायपालिका कर्मचारी संघ बहुत पुराना संघ है और बहुत ही काम करने वाला संघ है और न्यायपालिका की व्यवस्था में जो कमी आ रही है, न्यायपालिका कर्मचारियों के लिए 2016 का पे कमीशन जो है रिवीजन ऑफ पे स्केल जो है वो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है और हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट और हिमाचल प्रदेश सरकार इसके बारे में गंभीरता से इस मामले को नहीं उठा रही है। ये क्यों नहीं इम्प्लीमेंटेशन हो रही है इसके बारे में हम शीघ्र ही एक और अर्जेंट मीटिंग कर रहे हैं और आज की मीटिंग में फैसला लेने जा रहे हैं कि आगे क्या कार्यक्रम हमने क्या बनाना है। अगर न्यायपालिका कर्मचारी संघ के लिए रिवीजन ऑफ पे स्केल 2016 एक महीने के अंदर अंदर इंप्लीमेंट नहीं होता है तो हो सकता है कि न्यायपालिका के कर्मचारी पूरे हिमाचल प्रदेश में एजिटेशन करेंगे। जी सर, आपको लगता है चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ऐसे में इस प्रकार की मांगे जो है बहुत ही सक्रिय ज्वलनशील मुद्दे जो होते हैं और अगर ऐसे में आपकी मांगे पूरी नहीं की जाती तो आगामी चुनावों में उसका प्रभाव जो है विशेष तौर पर प्रदेश सरकार पर पड़ सकता है, क्या कहेंगे? देखिए, हिमाचल प्रदेश सरकार को बनाने में कर्मचारियों का और पेंशन का बहुत बड़ा हाथ होता है। हमारे न्यायपालिका कर्मचारी के पूरे हिमाचल प्रदेश में 4000 से ज़्यादा कर्मचारी हैं और आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में जो चुनाव होगा ये देखा जाएगा, ये व्यवस्था देखी जाएगी कि न्यायपालिका कर्मचारी जो सबॉर्डिनेट्स हैं इनके लिए हिमाचल प्रदेश सरकार अगर पे कमीशन की रिपोर्ट जो है इम्प्लीमेंट कर देती है तो ठीक है, अगर रूल जो हैं इनके एक महीने के अंदर नहीं बनते हैं तब भी देखेंगे हिमाचल प्रदेश सरकार के खिलाफ जो है एजिटेशन करेंगे और आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश सरकार के खिलाफ जो है विरोध किया जाएगा हिमाचल प्रदेश सरकार का। ऐसा तो नहीं होगा विरोध के साथ जो चुनावों का बहिष्कार जो है कर्मचारियों द्वारा किया जाएगा? नहीं, विरोध हम वो नहीं बहिष्कार नहीं करेंगे, हम आगे से जाएंगे सरकार के, पर हम फिर भी आशा करते हैं कि अभी हमारा डेपुटेशन जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय से शीघ्र एक महीने के अंदर अंदर मिलेगा और हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय को प्रेशराइज करेंगे कि न्यायपालिका कर्मचारी संघ जो है इनकी जो मांगे हैं और जो हमारे नीचे काम करने वाले निचली अदालतों के जितने भी कर्मचारी हैं इनकी समस्या का समाधान और पे और रिवीजन जो है 2016 जो है इमीडिएटली जो है रिलीज किया जाए। अगर ये इम्प्लीमेंट नहीं होता है और रूल जो है हमारे 2 साल से जो नहीं बन रहे हैं अगर वो नहीं होता है तो एक महीने के अंदर अंदर जो है वो हिमाचल प्रदेश सरकार और हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के खिलाफ जो है वो एजिटेशन होगा। अगर आज की बात करें तो क्या कुछ विशेष जो है आज आपके द्वारा किया गया कर्मचारियों के लिए, क्या कुछ अहम जो निर्णय है आपके द्वारा कर्मचारियों के लिए लिए गए? देखिए, आज हमारी एक नई बॉडी बनने वाली है क्योंकि 6 साल के बाद जो है इलेक्शन होने जा रहा है, 2 साल कोरोना पीरियड था, इलेक्शन नहीं हो पाया। पूरे हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी न्यायपालिका के यहाँ पर आए हैं, बड़े समझदार हैं और रात को 8-8 बजे काम करने वाले कर्मचारी हैं। आज इन्होंने अपना मन बनाया है, या वार की लड़ाई है या पार की लड़ाई है, या बैठ करके ये जाएंगे, ये सोच समझ के जाएंगे, ये पास करके जाएंगे कि एक महीने के अंदर हिमाचल प्रदेश सरकार के खिलाफ हमने क्या करना है और जो इनका जो पे स्केल है वो कैसे लेने हैं हमने, उसके बारे में फैसला होगा और नई बॉडी बनेंगे उनकी हमारी शुभकामनाएं देंगी, मैं इनके साथ रहूँगा
जहाँ भी धरना होगा 1.5 लाख का पेंशन जो है वो इन कर्मचारियों के साथ रहेगा। मैं उसका सम्मेलन जो 17 तारीख को सापर में कराने जा रहा हूँ, 17 तारीख को प्रदेश स्तरीय पेंशन कल्याण संघ की हमारी मीटिंग है, उसमें मुद्दा उठाएंगे। पेंशन जो भी हमारे हैं जो न्यायपालिका के हैं जिनकी पे जो है वो रिविजन नहीं हो रही है, उनकी पेंशन भी नहीं बढ़ रही है, और हमारा जो पेंशन संघ है वो भी इनका सपोर्ट करेगा और हम इनके साथ बैठेंगे। इसके अलावा पे स्केल के अलावा कौन कौन सी अहम मांगे जो हैं कर्मचारियों की आज रही हैं? देखिए, इनकी एक मांग पे स्केल की है, दूसरी बात है कि इनके रूल्स नहीं है, रूल जो RNP जो रूल हैं वो नहीं बन रहे, 2 साल से हो गए, बड़े गंभीरता से ये मसला जो उठाया जा रहा है। और यहाँ पर जितने भी ये इम्प्लॉयज हैं इनके प्रमोशन नहीं है, 2 साल से कोई प्रमोशन नहीं है, इन दी एब्सेंस ऑफ रूल्स। और तीसरी बात है कि न्यायपालिका में कम से कम 1000 पोस्ट जो खाली पड़ी हुई है, इसके बारे में हाईकोर्ट भरने नहीं जा रही है अभी तक, बोलते हैं रूल नहीं है, जो 7-7, 8-8 आदमी जो एक आदमी जो है वो 8-8 पोस्टों पर काम कर रहा है और इतनी रात को 8-8 बजे बैठता है, इसके बारे में कोई नहीं सोच रहा है। तो हम तो हमारी ये निवेदन रहेगा हाईकोर्ट से कि जजेज के ऑफिस या चैम्बर जो है 5 बजे के बाद देखे जाए, 5 बजे के बाद कौन कौन जजेज बैठता है, अगर जजेज इतना काम जो दे रहे हैं इनसे एम्प्लॉय से करके कोई कैजुअलिटी होती है तो वो रिस्पॉन्सिबल होंगे। और 2 कैजुअलिटी जो हमारी अभी हुई हैं, 1 क्लास 4 जिसका मुद्दा जो यहाँ पर उठाया गया, क्लास 4 कोठी में काम करने के लिए जा रहा था जजी की कोठी में, और उसकी मौत जो है सुबह 6 बजे हो जाती विद वर्दी, यहाँ पर उसका पोस्टमार्टम हुआ, उस मसले को दबा दिया गया। और उनके घर वालों से पूछा जाए, इन कर्मचारियों से पूछा जाए किस वजह से 6 बजे उसको कोठी में बुलाया गया। उसके बाद एक कर्मचारी की और मौत हुई है, शिमला में एक कर्मचारी की और मौत हुई है, 5 बजे 6 बजे रेजिडेंस में क्लास 4 को बुला करके रात को 9-9 बजे तक ह्यूमिलेशन करनी, 1 रुपया नहीं देना उनको, ये कौन सी व्यवस्था है, कौन सी न्यायपालिका है? सर, अगर बात करें मामलों की तो कोई भी विवाद होता है उसको लेके हर एक इंसान आम जनता जो है जुडिशियल में आती है, न्यायपालिका के पास आती है, बट न्यायपालिका में इस प्रकार से अगर मामले सामने आते हैं तो जनता का विश्वास आपको लगता है कि उठता हुआ नजर आएगा? न्यायपालिका दीप के तले हमेशा अंधेरा होता है, ये हमें पता कि क्या होता है यहाँ पर, लोगों को न्याय मिलता है कैसे मिलता है हमें मालूम है इसका, हमारा खुद का केस जो है वो पेंडिंग पड़े अभी 12-12 साल हो गए, कंडेम्ड पिटीशन हमारी हाईकोर्ट में पड़ी है लेकिन उसमें कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई उसमें निर्णय नहीं दिया जा रहा। मैंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जाकर के रिट पिटीशन लड़ी है, उसकी वायलेशन हुई, कंडेम्ड पिटीशन फाइल की, हाईकोर्ट में लड़ी, उसके अगेंस्ट हमने रिट की, सुप्रीम कोर्ट में बांध से लड़े, वो इंप्लीमेंटेशन आज दिन तक नहीं हो रही है, सरकार की व्यवस्था कैसी है हमें मालूम नहीं हो रहा कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को कार्यान्वित करने के लिए अगर हमें 12 या 14 या 15 साल की हमें सुनवाई करनी पड़े तो इससे ज़्यादा तो हम न्यायपालिका के बारे में क्या कह सकते हैं। लेकिन फिर भी हम ये कहते हैं कि न्यायपालिका में दूसरे लोग आते हैं वो न्याय के लिए ही आते हैं, ठीक है हमारी व्यवस्था है 90% ठीक है यहाँ पर, लेकिन जो 10% जो कचरा पचरा पड़ा हुआ है उसको हम खत्म करना चाहते हैं। इसके बाद भी अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती हैं जिस प्रकार से आप निर्णय ले रहे हैं उसको उसके बाद कोई भी कार्रवाई नहीं हो जाती है तो आगामी रणनीति और आगामी कार्रवाई क्या रहने वाली है आपकी? आज की अभी जो हमारी कमेटी बनेगी, जो इलेक्शन होगा उसके प्रेसिडेंट बनेंगे नए और जनसेक्रेटरी बनेंगे, पूरी कार्यकारिणी यहाँ पर बैठेगी, पूरा निर्णय कर करके जाएगी कि आगे की व्यवस्था कैसे करनी है, कौन एजिटेशन हमने करना है, कैसा हमने मेमोरेंडम देना है, सरकार के खिलाफ काम करना है, सरकार के साथ मिलना है। पहले देखिए हमारी कोशिश फिर रहेगी कि माननीय मुख्यमंत्री मोदी से एक डेप्यूटेशन जाए, ये न्यायपालिका कर्मचारी संघ का मिलाया जाए पहले। धन्यवाद। हाँ जी, तो ये थे हिमाचल प्रदेश जुडिशियल वेलफेयर एसोसिएशन के पूर्व प्रधान, कुछ बातचीत इनसे करना चाहिए किस प्रकार की मांगों को लेकर जो है आज ये मौजूद है और आज बैठक जो इनके द्वारा की गई है क्या कुछ अहम मुद्दे जो है रहने वाले हैं। फिलहाल इस टीम को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि ये जानकारी प्रदेश के हर एक नागरिक हर एक युवा तक पहुंच पाए। फिलहाल के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।